तो इसके लिए ये एक पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि हर जाति को एक एक ऐसा पूर्वज उसका आइडल बनाओ जिसकी मुसलमानों से लड़ाई बजी हो। जैसे कि राजपूत समाज का आइडल जो है वो 30 साल में महाराणा प्रताप जी को बनाया गया, वो हमारे आइडल हैं, उन्होंने अच्छे काम किए। लेकिन क्या है कि आप देखेंगे कि जगह जगह महाराणा प्रताप जी की मूर्तियां राजपूत समाज लगाता है पूरे देश में, लेकिन राजपूत समाज में बहुत बड़े बड़े महान योद्धा और बड़े बड़े सम्राट हुए, वीर विक्रमादित्य हुए, जो कि जिसको हिंदू कैलेंडर बोलते हैं, जो कि विक्रम संवत ही बनाने वाले हैं, तो इतने बड़े बड़े हुए, लेकिन उनके लिए कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई नहीं लड़ी। तो पहले राजपूतों के मन में ये डाला, देखो महाराणा प्रताप जी तुम्हारे बाबा हैं और इनको मुगलों ने कितना परेशान किया, तो हमारे अंदर क्या भावना आई, भैया मुसलमानों को मारो, इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप जी जो हमारे पूर्वज हैं उनको कितना परेशान किया। तो हम क्या हुआ कि हम राजपूत से हिंदू बन गए और एक कट्टर वोट बैंक बन गया बीजेपी का। अब उन्होंने देखा कि यार ये जो जाट हैं, ये जो यादव हैं, ये तो जाट ही है, और जो है गुजर गुजर ही है, यादव यादव ही है, दलित दलित ही है, इनको भी तो हिंदू बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, सोहेल देव को जो है वो पासी समाज को दे दिया, जो कि बैस राजपूत है बल्कि। तो मीर भोजी को, मीर भोजी ने क्या किया, आज गुजर समाज के लोग मीर भोजी पर गर्व क्यों करते हैं, वो कहते हैं कि मीर भोजी ने मलेच्छों को भगा दिया, मतलब मुसलमानों को खदेड़ दिया। तो अब क्या होगा, एक इससे क्या होगा, गुजर समाज में ये भावना आएगी कि हमारे बाबा ने मुसलमानों को भगाया था, अगले दिन वो भी डंडा लेके मुसलमान के पीछे पड़ेगा, मेरे बाबा से लड़ाई करी थी, अब मैं भी तेरे से लड़ाई करूंगा। जैसे कि आज आप मान लो आपका कोई परम मित्र है, मैं आज आपको ये बताऊं कि उसके बाबा ने आपके बाबा के चप्पल मारी थी, अब अगले दिन से आपके मन में उसके प्रति खटास आ गई, चाहे आपकी कितनी भी 25 साल की मित्रता हो, जबकि आपको उससे जब तक वो बात पता नहीं थी तो आप दोस्त थे, रोटी एक साथ खाते थे, लेकिन जैसे ही खटास आई अगले दिन से आप उसको घूरने लगोगे कि यार इसने मेरे बाबा के बता चप्पल मार दी थी। ऐसे ही जब मीर भोज के बारे में गुजर समाज के बच्चे पूछेंगे बाबा जी ने क्या करा था, तो बताएंगे भाई बाबा जी ने मुसलमानों को खदेड़ दिया था, वो कहेगा अच्छा चल भाई तू भी डंडा ले अगले दिन से मुसलमानों को खदेड़, अगले दिन से करने लगा मैं हिंदू हूँ, जैसे मैं हिंदू हूँ करेगा बीजेपी का कट्टर वोट बैंक बन जाएगा। तो अभी ये गुजर समाज को दिया, आप देखना थोड़े दिन में हमारे जाट भाइयों को भी कोई ऐसा ही पूर्वज ये बीजेपी वाले थाली में सजा के देंगे जिसने किसी मुसलमान से लड़ाई लड़ी हो, मुगलों से या किसी मुसलमान सुल्तान से, ऐसा ही यादवों से भी होना है। हाँ।